हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसमें जो फैब्रिक पेंटिंग करते हैं उन लोगों को एक मेन इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि जैसे मान लीजिए आप साड़ी पे पेंट करना चाह रहे हैं या बहुत बड़े कोई क्लॉथ पे पेंट करना चाह रहे हैं, तो आप डिज़ाइन को ट्रेस कैसे करेंगे। बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन उनमें से एक ये मेथड भी है जो कि बहुत ईजी है। यदि आपका कपड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट है तो आप नीचे डिज़ाइन ड्रॉ करके आप ऊपर से पेंट कर सकते हैं, और यदि आपका कपड़ा थोड़ा थिक है तो फिर आप देखिए कैसे करेंगे। ये मैं एक पेपर पे डिज़ाइन बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से मनचाहा कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यदि आप बहुत परफेक्ट हैं तो आप सीधे बटर पेपर पे ही डिज़ाइन बनाइए। पहले डिज़ाइन बना लीजिए, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है। इसमें आपका टाइम बहुत बचेगा, ज़्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं, बस एक बार आपको ड्रॉ करना है। और थोड़ा जो डिज़ाइन बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ये देखिए मैंने पूरी ड्राइंग बना ली है। अब मैं इसके ऊपर बटर पेपर रखूँगी और इसको बटर पेपर से ट्रेस कर लूँगी। तो आप बटर पेपर को अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर लीजिए। यदि आपको बड़ा छोटा बटर पेपर पड़ रहा है तो आप उसको पेस्ट करके उसको ऐड ऑन करके आप उसको बड़ा कर लीजिए, और उसको ये मूव ना हो तो चारों तरफ से आप उसको सेलो टेप से स्टिक करें और फिर उसको ट्रेस करें। ये मेरे पास में एक सुई है, निडल थोड़ी सी मोटी है। एक निडल ले लेंगे आप, या सेफ्टी पिन एक पिलो ले लीजिए, यदि सॉफ्ट पिलो लेंगे तो बहुत अच्छा है। और इसको आप पिक्चर को ऐसे रख के और जहाँ जहाँ आपकी लाइनिंग्स हैं वहाँ पे आप इनको होल करते जाइए। ये देखिए ऐसे होल करेंगे तो आपको पूरी डिज़ाइन में आपको ऐसे ही होल करना है। पीछे जो है ये इसका आपको टच करने से इफ़ेक्ट समझ में आएगा। तो ऐसे आप पूरे डिज़ाइन को आप ऐसे होल कर लीजिए निडल से या सेफ्टी पिन से। देखिए मेरा पूरा निडल पे उस पर बटर पेपर पर होल हो गया है। मैंने नीचे कपड़ा बिछाया जिसके ऊपर ट्रेस करना है, और इसमें दो चीज़ें आपको लगेंगी। पहले तो आप सबसे पहले जहाँ पे आपको ट्रेस करना है वहाँ पे आप इसको, और देखिए ये ध्यान रखिए कि जो होल है वो पीछे की साइड में जो थोड़ा सा टच करने से रफ लगेगा उस एरिए को आप नीचे साइड डाउनवर्ड्स रखिए, और फिर इसको आप टेप से चिपका दीजिए ताकि आपका वो मूव ना हो। डिज़ाइन प्रिंट करते वक्त थोड़ा सा मूव होने का डर रहता है, इस तरीके से आप ये देखिए इसको टेप लगा दीजिए। और फिर देखिए इसमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो नील जिसको इंडिगो बोलते हैं, ये आपको कोई भी हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगी, ड्राई इंडिगो डस्ट। एक ये है टर्पेंट ऑयल, या फिर आप केरोसिन ऑयल ले सकते हैं, साफ कपड़ा या कॉटन। इनसे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप वीडियो में दिख नहीं रहा है, पर थोड़ा सा आप एक प्लेट पे आप नील निकालिए और टर्पेंट ऑयल से उसको गीला करके
अच्छे से गीला कर लीजिए ताकि वो थोड़ा सा लिक्विड रहे। और इसको आप देखिए, ये जहाँ पर आपने ये आप इस तरीके से इसको फैलाते जाइए, ये तो जो होल्स होंगे, इसका टेक्निकल पॉइंट यही है कि जो होल होंगे उससे आपका नील जो है वो निकल के पेपर आपके कपड़े प्रिंट हो जाएगा और जो टर्पेंट ऑयल या केरोसिन ऑयल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ उड़ जाएगी, तो सिर्फ आपका ब्लू प्रिंट रह जाएगा। फर्स्ट जो आप प्रिंट करेंगे फर्स्ट टाइम उसमें थोड़ा ज़्यादा नील और टर्पेंट ऑयल लगेगा थोड़ा ज़्यादा, फिर सेकंड थर्ड टाइम से फिर वो इतना आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप पूरी ड्राइंग को और पूरी डिज़ाइन को आप ट्रेस कर लें, ये देखिए। और नेक्स्ट फिर इसको उठाने के बाद कोई सूखने का वेट नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तुरंत आप उसको उठाएँ और नेक्स्ट जगह शिफ्ट कर दें जहाँ भी आपको डिजाइन प्रिंट करना है। ये देखिए, ये प्रिंट होने के बाद ये ऐसा इफेक्ट आ जाएगा, जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है आप उसको पेंसिल से स्केच कर सकते हैं, मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। देखिए पूरा पिक्चर क्लियर है, कार्बन से यदि हम करते हैं तो थोड़ा सा गंदा होने का डर रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। शेयर्स।